नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। तहसील छाता के चौमोहा स्थित जिला सहकारी बैंक से बदमाश 10 लाख रुपए लेकर हुए फरार। जनपद मथुरा में दबंगों के हौसले बुलंद। घटना की जांच में जुटी पुलिस। नकाबपोश बदमाशों ने दिया सनसनी वारदात को अंजाम, जिससे छाता में फैली दहशत, लूट हत्या जैसी घटना थमने का नाम नहीं ले रही। क्या जनपद के आला अधिकारी घटना का लगा पाएंगे सुराग? देखिए आरपीएस समाचार पर छाता के चौमुहा से आरपीएस समाचार ब्यूरो चीफ जनपद के वरिष्ठ पत्रकार कृष्णा गुप्ता के साथ। आज दिनांक 8 तारीख को शाखा पर जमाकर्ताओं के भुगतान के लिए मुख्यालय से रोकड़ मंगवाया गया था 20 लाख रुपए। वो दिन में करीब 1 बजे आया था शाखा पर रोकड़, और चूंकि भीड़ लगी हुई थी, सुबह से कनेक्टिविटी भी नहीं थी, और फसल बीमा का भुगतान किया जाना था, पैसा किसानों के खाते में आया हुआ तो उसका भुगतान होना था, तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी उस समय। जैसे ही कैश आया और तो कैशियर ने कैश को प्राप्त करके किसानों को भुगतान करना शुरू कर दिया। इसके बाद भीड़ बहुत ज़्यादा थी, काम चल रहा था, तभी अचानक लगभग 2:40 पर एक युवक जो कि पहचान में नहीं आ रहा CCTV कैमरे में, जो कि बाहर का लग रहा है, यहाँ का नहीं मालूम पड़ रहा है, के द्वारा बैंक के कैश काउंटर से 10 लाख रुपए, 5-5 लाख के 2 बंडल चोरी कर लिए गए, जैसा कि CCTV कैमरे से स्पष्ट हो रहा है, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना जैत में दर्ज करा दी गई है और उच्चाधिकारियों को सूचना दे दी गई है। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।